नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं स्वतंत्रता, लिबर्टी। इससे संबंधित बहुत सारी चर्चा आपके साथ करेंगे हम। स्वतंत्रता से कई क्वेश्चन पेपर में आते हैं और ये BA फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर ही रहता है, और स्वतंत्रता से बहुत सारे प्रश्न उत्तर आपके बनते भी हैं। जैसे हम पढ़ाएंगे स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता का महत्व, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। जैसे मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों का अस्तित्व नितांत आवश्यक है, और व्यक्ति के विविध अधिकारों में स्वतंत्रता का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। वारुण रसेल कहते हैं कि स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इसी के आधार पर सामाजिक जीवन का निर्माण संभव है। मनुष्य का संपूर्ण भौतिक, मानसिक एवं नैतिक विकास स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव है। मनुष्य अपना पूर्ण विकास, भौतिक हो चाहे मानसिक हो या नैतिक हो, बिना स्वतंत्रता में नहीं कर सकता। जब तक वह स्वतंत्र नहीं रहता है तब तक इन चीज़ों का विकास संभव नहीं है, इसलिए उसे स्वतंत्रता जरूरी है। इटली के प्रसिद्ध देशभक्त मैजिनी का कथन है कि स्वतंत्रता के अभाव में आप अपना कोई कर्तव्य पूरा नहीं कर सकते हैं। आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है और जो भी शक्ति आपको इस अधिकार से वंचित रखना चाहती है उससे जैसे भी बने अपनी स्वतंत्रता छीन लेना अपना कर्तव्य है आपका। फिर स्वतंत्रता का अर्थ में आधुनिक युग में स्वतंत्रता शब्द सबसे अधिक लोकप्रिय है, और इस शब्द की लोकप्रियता का परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता के अलग अलग अर्थ लेकर लेता है, मतलब अलग अलग अर्थ लेता है। जैसे अधिकांश मनुष्य स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करने से, कोई व्यक्ति कहता है मनमानी करने में स्वतंत्रता ज़्यादा है, या बिना किसी दूसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने से है। कोई मनमानी में स्वतंत्रता समझता है तो कोई दूसरों के अनुसार जो आज्ञा दी जाती है उसके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ लेता है। स्वतंत्र विचारक किसमें स्वतंत्रता रखते हैं? स्वतंत्र विचारक स्वतंत्रता का अर्थ प्राचीन परंपराओं एवं बंधनों से मुक्त होने से लेते हैं। और आध्यात्मिक संत किसमें स्वतंत्रता समझते हैं? आध्यात्मिक संत स्वतंत्रता का अभिप्राय सांसारिक मोह माया से मुक्त होने से लेते हैं। और परतंत्र देश के निवासी स्वतंत्रता को क्या समझते हैं? जो परतंत्र होते हैं, अधीन होते हैं किसी के, तो वह समझते हैं कि स्वतंत्रता को स्वराज्य का पर्यायवाची समझते हैं। जैसे भारत भी पहले ब्रिटिश सरकार के अधीन था तो भारत भी स्वराज्य के लिए लड़ा, किंतु व्यवहार में जो प्रचलित स्वतंत्रता के इन विविध अर्थों में कोई भी अर्थ पूर्ण नहीं है। इसमें हमने चार प्रकार से बताया है कि स्वतंत्रता कौन कौन मनुष्य कैसे स्वतंत्र होना चाहता है। स्वतंत्र कोई बंधनों के अभाव में स्वतंत्र समझता है, कोई मनमानी चाहता है, विचारक चाहता है कि प्राचीन परंपराओं में स्वतंत्र रहे, आध्यात्मिक संत चाहता है सांसारिक मोह माया से मुक्त रहे, और जो परतंत्र देश चाहते हैं वह स्वराज्य के लिए समझते हैं स्वतंत्र होना। इस आधार पर स्वतंत्रता कई प्रकार से होती है। फिर होती है स्वतंत्रता के दो पक्ष होते हैं, एक होती है नकारात्मक स्वतंत्रता, नेगेटिव लिबर्टी, और दूसरी होती है सकारात्मक स्वतंत्रता, पॉजिटिव लिबर्टी। स्वतंत्रता की धारणा को संपूर्ण रूप से समझने के लिए स्वतंत्रता के इन दो पक्षों को अलग अलग ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक हो जाता है। इन्हें हम अच्छी तरह से समझेंगे कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है। तो आइए पहले हम समझते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अंग्रेजी रूपांतर होता है, जैसे लिबर्टी लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। किंतु स्वतंत्रता शब्द की प्रयुक्ति के आधार पर प्रचलित इस अर्थ को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मनुष्य असीमित स्वतंत्रता का उपभोग
कर ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह सोचे हम असीमित स्वतंत्रता का उपभोग करें तो ये संभव नहीं है। हमें कुछ बंधन होते हैं तो हमें उनके अनुसार वह जो हम चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे रूसो ने लिखा है कि मनुष्य एक मनुष्य रूसो के अनुसार वह कहता है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है, एक रूसो की भी परिभाषा है। तो वह कहता है मनुष्य एक अरस्तु का यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो इधर नकारात्मक स्वतंत्रता में भी यही बात आती है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मनुष्य असीमित स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता, उसे सामाजिक नियमों की मर्यादा के अंतर्गत रहना होता है। जो सामाजिक मर्यादा रहती है व्यक्तियों की, उसी के अंतर्गत वह रहता है। अतः राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत स्वतंत्रता की जिस रूप में कल्पना की जाती है, उस रूप में स्वतंत्रता मानवीय प्रकृति और सामाजिक जीवन के इन दो विरोधी तत्वों जैसे बंधनों का अभाव और नियमों के पालन में सामंजस्य का नाम है। और इसी परिभाषा परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, बशर्ते कि इससे दूसरे व्यक्ति की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा ना पहुंचे। जैसे 1798 की मानवीय अधिकार घोषणा में यही कहा गया है कि स्वतंत्रता वह सब कुछ करने की शक्ति का नाम है जिससे दूसरे व्यक्तियों को आघात ना पहुंचे। हम अपनी स्वतंत्रता में ऐसे सीमित रहें कि हमारे इतनी स्वतंत्र होने से किसी दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। तो सीले, लास्की, मैकेंची आदि विद्वानों ने भी स्वतंत्रता की परिभाषा लगभग इसी प्रकार से की है, नकारात्मक रूप में। सीले के अनुसार स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है। प्रोफेसर जो लास्की है तो उन्होंने भी कहा है कि स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय यह है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध ना हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक है। मैकेंची भी कहते हैं कि स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, अब तो अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की जाए। ये लोग नकारात्मक स्वतंत्रता, मतलब जो गलत चीज़ें जो हैं उन्हें हम ग्रहण ना करें, हम अच्छी अच्छी चीज़ों में स्वतंत्रता का अनुभव करें कि ये हमारे लिए उपयुक्त है, क्योंकि ज़्यादा स्वतंत्रता में व्यक्ति का पद भ्रष्ट हो जाता है, बच्चों का हो या व्यक्तियों को यदि अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिलती है तो वह अपने मार्ग से विमुख हो जाते हैं। इसलिए हमें ऐसे स्वतंत्रता के अंडर में रहना है कि अपना भविष्य भी अच्छा बना सके। और एक होती है सकारात्मक स्वतंत्रता। सीले, फ्रीमैन और मैकेंची आदि विद्वानों द्वारा स्वतंत्रता की जो परिभाषाएं की गई हैं उसमें स्वतंत्रता का चित्रण अनुचित और अनावश्यक प्रतिबंधों के अभाव के रूप में किया गया। इस प्रकार ये परिभाषा स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप को प्रकट करती हैं। किंतु जैसा कि गेटल ने कहा है कि स्वतंत्रता का समाज में केवल नकारात्मक स्वरूप ही नहीं बल्कि सकारात्मक स्वरूप भी है। स्वतंत्रता का लक्ष्य होता है व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास, और व्यवहार में यह अनुभव किया गया है कि प्रतिबंधों के अभाव मात्र से स्वतंत्रता के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में कांड और फिक्टे ने सकारात्मक स्वतंत्रता की दिशा में संकेत देते हुए ब्रिटेन की आदर्शवादी विचारक टीएन ब्रीन ने विधिवत रूप से सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा का प्रतिपादन किया है। कांड नैतिक स्वाधीनता की धारणा का प्रतिपादन करते हुए कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति की स्वाधीनता के मार्ग की बाधाओं को बाधित करे तथा ऐसी बाहरी सामाजिक स्थितियों की स्थापना करे जिसके अंतर्गत नैतिक विकास संभव हो सके। फिक्टे के अनुसार कोई भी व्यक्ति समाज में रहकर ही अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। अतः राज्य का प्रमुख कार्य ऐसी दशाओं का निर्माण करना है जिसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा का विधिवत रूप से प्रतिपादन टी एच ग्रीन ने
किया है। सर्वप्रथम तो स्वतंत्रता के सकारात्मक स्वरूप की नकारात्मक स्वरूप से भिन्नता बतलाते हुए टीएच ग्रीन ने लिखा है कि जिस प्रकार सौंदर्य कुरूपता के अभाव का नाम नहीं होता है, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अभाव का नाम नहीं है। आगे चलकर ग्रीन स्वतंत्रता के सकारात्मक रूप को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और उपभोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य या उपयोग के योग्य हो, जो मतलब ये करने योग्य हो और जो ऐसी स्वतंत्रता हो जो हमारे उपयोग में सही रहे। स्वतंत्रता का लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास होता है। हम स्वतंत्र रहें तो हम ऐसे काम करें कि अपने व्यक्तित्व का विकास करें। ये नहीं है कि हम गलत रास्ते पर, हमें अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिली है तो हम अपने गलत रास्ते पर निकल जाएं। और यदि राज्य इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु श्रम, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि के संबंध में नियमों की व्यवस्था करता है तो इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं होती, वरन उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि ये राज्य पर महत्व देता है कि राज्य जो स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है तो वो सही है, तो इसमें कोई विरोध की बात नहीं है, वह हमारे वृद्धि के लिए ही सीमित स्वतंत्रता करता है। तो इस प्रकार से कई विद्वानों ने सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा को ही अपनाया है। लास्की स्वतंत्रता को मनुष्य के विकास हेतु अति आवश्यक शर्त मानते हुए स्वतंत्रता की व्याख्यान इन शब्दों में करते हैं, जैसे स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोच्चतम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो। बारकर ने भी स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष पर ही बल दिया। वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामाजिक हित के संदर्भ में देखता है और स्वतंत्रता को व्यक्तित्व के विकास की एक ऐसी स्थिति मानते हुए स्वतंत्रता समानता और न्याय में घनिष्ठ संबंध का प्रतिपादन करता है। इस प्रकार सकारात्मक रूप से स्वतंत्रता का तात्पर्य ऐसे वातावरण और परिस्थितियों की विद्यमानता से है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य से चाहता है कि राज्य व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए अच्छे अच्छे मार्ग दे और व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता में अपना विकास कर सके। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आज आपको स्वतंत्रता से बहुत सारी जानकारी हमने दी, स्वतंत्रता का अर्थ भी बताया, परिभाषा भी, और स्वतंत्रता सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित बहुत सारी जानकारी हमने आपको दी। धन्यवाद।